सरकार तो किसी की बन जाए हमारे पर क्या कमा का खाना है। जो रोड तोड़ दिए वो दोबारा नहीं बने हैं अब तक, नाले सारे रुके पड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस ही आई है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार देखना चाहेंगे हरियाणा में इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई सरकार तो किसी की बन जाए हमारे पर क्या कमा का खाना है, सबको खाना जी है ना, तो सबको। लेकिन जनता के हित में शहर के लिए काम करने को आपको क्या लगता है, कोई कर रहा है करेगा, कौन कर सकता है? कोई करता ही नहीं को, मैं करा है को ये रोड पाट दिए दोबारा नहीं बन रहे, कोई सरकारी काम में चला जा, लोग बाग चक्कर काटते रहे ये लिया ये लिया ये लिया। टीवी बत्रा कांग्रेस के हैं, शहर में काम होते दिखाई दिए? शहर में काम है कुछ, अपने पर्सनल काम हो है इस शहर में, जितने भी रोड जो एक बार जो तोड़ दिए, जो रोड तोड़ दिए वो दोबारा नहीं बने हैं अब तक। बिल्कुल, शहर में घूमते हैं सारा दिन, आपने देखा ही होगा सड़कें वड़कों की क्या हालत है, बारिश में क्या हो जाती है दिक्कतें। वही तो कह रहा हूँ, नाले सारे रुके पड़े हैं, नाला की सफाई एक बार करते हैं दोबारा फिर वो लोग बात डाल देते हैं पन्नी वगैरह। तो मतलब आपको किससे उम्मीद है, बीजेपी या कांग्रेस से? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, ठीक है ऐसा कुछ नहीं बता सकते भाई, हम किसी की बुराई क्यों करें? नहीं बुराई नहीं, विचार होते हैं। कांग्रेस ने तो सारे रोड बनवा दिए थे कि नहीं बनवा दिए थे? उड्डा साहब ने तो कह दी थी ऐसे इतने रोड बना दूंगा थेकड़ी भी ना लगेगी। 2 से 3 महीने विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? कांग्रेस की आएगी, देखो कांग्रेस की लहर लग रही है इस बार। हाँ क्योंकि अभी भी गए जो कांग्रेस ही आई है, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस ही आई है, और देख लेना इस बार भी कांग्रेस। हरियाणा में 10 सीटें थी, 5-5 बटी दोनों में, ठीक है जीत गई। लेकिन रोहतक से बात करें, जितेंद्र हुड्डा एक तरफा जीत गए, तो आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका बहुत असर होगा? बहुत ज्यादा। अच्छा,